इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शिव जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने साधु वचन कह के प्रशंसा किया। ब्रह्मा जी के चार मुख है, इसलिए उनका नाम चतुरानन है। चार मुख से ब्रह्मा जी ने चार छंदों में भगवान को पुकारा है। और ध्यान रखिएगा, यह जो स्तुति है इसमें भगवान ने अब तक क्या क्या किया है केवल यही कहा गया है। कैसे कहा गया? जय हो जगदीश भगवान की, जय हो श्री हरि ब्रह्म प्रभु की, जय हो जगत के दातार की, जय हो। यहीं से प्रारंभ हुआ है, भगवान ब्रह्मा ने प्रारंभ किया। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन हितकारी। जय यसुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने को जो सहज कृपाला दीन दया सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा ने सेवा सर ध्यावहि गुण गण गावहि। जय हो सच्चिदानंद। तीसरा जेहि से पाई त्रिविध बनाई संग सहायन दो सो करो अघारी चिंता हमारी जानी ऋषय शेषा जा कहूं को नहीं जाना जे दीन प्यारे वेद पुकार नमस्तनता शास्त्र मूर्ते द्रव सुखी भगवान भाव पारिधि
मंदर भावा सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकं मौनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकं मौनि से सकल सुर परम भयातुर जान सभय सुरभो सुनि वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर जन डर पहु मुनि सीध सुरे सा जन डर पहु मुनि सीध सुरे सा तुम ही लागे धर नर सकल भूमि गरुवाई निर्भय हो देव समुदाय देवताओं को मुनिगणों को पृथ्वी को भय सहित जान कर भगवान श्री हरि की ब्रह्मवाणी बोली जनि डर पौ डरिए मत हम आएंगे अनसो सहित आएंगे नारद जी के वचन को सत्य करेंगे पृथ्वी के भार को उतारेंगे। नारद जी का स्मरण क्यों किया? क्योंकि सहयोगी नर वानर को होना है। अब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं से कहा आप लोग वन के नर होकर धरती पर भगवान के आने की प्रतीक्षा करिए। देखिए कथावाचक सहयोगी बंधु यजमान परिवार श्रोता समाज अनुमोदक जो कुछ भी है हम सब लोग भगवान की लीला के पार्षद हैं। पार्षद होने के कारण से हमको हर क्षण हर दिन हर पल भगवत लीला में अपने सहयोग के ढंग ढूंढते रहने चाहिए। अब हम किस प्रकार भगवत लीला का उपक्रम बनाएं? क्यों अब का करेंगे? अतो अब अष्टयाम करेंगे। अरे अष्टयाम करेंगे हम लोग कानपुर में जब कोई अनुष्ठान करते हैं ना तो जितने बिल्डिंग वाले हैं सब पूछते हैं का कोई बात हो गई है का बड़ा पूजा होता है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति ये मान गया है कि जब तक पंडित जी मरे के न बताएं तब तक पूजा नहीं करना है। जैसे पता चले कि अब मरे के बारी आयल बात बस अभिषेक करा महामृत्युंजय करा दुर्गा जी का पाठ करा। अरे भैया ये सब निरंतर का कार्यक्रम है।
आदमी ये नहीं पूछता है कि प्रातः काल खाए का सामो को खाए के परी। जगत के सुख में आदमी गिनती नहीं गिनता, छोड़ देता है। जैसे भगवत भजन करना पड़े वैसे गणना शुरू करता है। अखंड पात ए साल भैल अब 3 साल बाद हुई, कहे अरे तुहरे बादे न हुई का भगवान चिट्ठी भेजिएगा। ये साधक को पार्षद को निरंतर का व्यवहार है, कुछ न कुछ खटर पटर चलाए रहो, इसीलिए हमको आपको भेजा गया है। कह लिए कुछ खटपट होत रहे, कुछ चलत रहे हो। भगवान ब्रह्मा ने कहा जाइए नर होइए लेकिन वन में होइए। आयुध आपके पर्वत होंगे वृक्ष होंगे, नाखून रखिएगा, उसी से आपका कार्य चले। कोई हथियार न मिलेगा, हम भी आएंगे, ये भोले बाबा भी आएंगे। पर आप जानते हैं सब देवता लोग गए, बाबा कहते हैं मैया से देवी यह सब रुचिर चरित्र में भाखा अब सो सुन हो जो बीच बीच में क्या रखे या तो मनु शत्रुपा जी वाला प्रसंग क्यों अब है। एक बार भाव श्रद्धा से बोले श्री अयोध्या धाम की। एक मंत्र एक ग्रंथ एक संत एक लव अवधपुरी कुल मनिराओ वेद विदित ते दशरथ राम धर्म थुर धर गुण निधि ज्ञानी धर्म हृदय भक्ति मति सारंग पानी हृदय भक्ति सारंग पानी कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल एक बार भूपति मन मानी भय गलानी मोरे सुत गुरु गृह गय तुरत मर दुख सुख सब गुरहि सुनायो कहि वशिष्ठ सब विधि समझायो धरहु धीर होइ हहि सुध चारी धरहु भगत त्रिभुवन गुरु आज्ञा हुई राजन यज्ञ की रचना बनाई। अब सिंगी से वशिष्ठ बोलावा सहित मुनि आहुति दीने भगत चरु कर जो वशिष्ठ कछु हृदय बाटी
सिंघी से वशिष्ठ बुलावा पुत्र इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।